दोस्तों कैसे हो, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फाइनली मैं अपने बाड़े में पहुंच चुका हूं, जो घर से आप देख सकते हैं बाड़े में। देखिए दोस्तों, ये हमारे भाई का मकान। ये देखिए दोस्तों, सोचा ये देखिए दोस्तों, हमारे भाई कबड्डी का काम करते हैं। बारिश का मौसम होने के कारण अभी काम फिलहाल कम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये नींबू का पेड़ है, इसके ऊपर नींबू भी लगाया हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सूखी लकड़ी है, जलाने के लिए काम ली जाती है। खाना बनाते तो ये काम लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तरबूज की बेल है, इसके अब फूल लगने लगे हैं, जल्द ही तरबूज लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, गंवार बोया हुआ है, चौला की फली आपने खाई होगी शायद। ये देखिए दोस्तों, मेरे भाई जो लूंग का व्यापार करते हैं, ये लूंग के लिए स्टोर रूम है। ये देखिए दोस्तों, ये बकरी को खिलाने के लिए चारा है, इसको कुट्टी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लूंग चालने के लिए मशीन काम ली जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये लूंग है, खेजड़ी होते हैं ना, उसके पत्ते हैं, उसको लूंग कहते हैं। ये बकरी को खिलाने के लिए काम लिए जाते हैं। ये हमारे बड़े भाई की गाड़ी है, इससे लूंग सप्लाई करते हैं। ये हमारा बाड़ा है, ये हमारे भाई के घर है। देखिए दोस्तों, ये केरुंदा का पेड़ है, ये देखिए कितना सुहाना मौसम है, हरियाली भी बहुत ज्यादा है। ये देखिए पौधे, हमारे भाई पौधा सप्लाई का काम करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. ये देखिए, बैलगाड़ी नहीं है, ये मोटरसाइकिल गाड़ी है। ये देखिए दोस्तों, भिंडी के पौधे हैं, भिंडी की सब्जी तो आपने खाई होगी। ये कंकड़े की बेल है, इसकी सब्जी बनती है। ये खासकर हमारे राजस्थान पाए जाते हैं और खासकर हमारे गांव में। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कंकड़ है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बाड़ा है और पास में देख सकते हैं छोटा सा तालाब भी है। और हरियाली की बात करें, देखिए यहाँ चारों ओर हरियाली है बहुत सारी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगले ब्लॉग के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ।